नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ओबामा की अर्थव्यवस्था सुधारने की योजना पर संसद के एक सदन में वोट, पैकेज पर टिकी हुई है सबकी उम्मीदें। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को ओबामा से उम्मीदें, ठीक करेंगे अर्थव्यवस्था। और सर्वोच्च अमेरिकी कमांडर ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए भारत की भूमिका अहम। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बराक ओबामा को 825 अरब डॉलर की जरूरत है, लेकिन ये पैसा ओबामा प्रशासन को तभी मिलेगा जब अमेरिकी संसद के दोनों सदन इसे अपनी सहमति दे देंगे। राष्ट्रपति ओबामा को अर्थव्यवस्था सुधारने की अपनी कोशिश में बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी संसद के एक सदन ने उनके आर्थिक सुधार पैकेज को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रपति ओबामा कुर्सी संभालने के पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के साथ उनके प्रस्तावित 825 अरब डॉलर के अर्थव्यवस्था सुधार प्रस्ताव पर बातचीत की। हालांकि संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है, फिर भी राष्ट्रपति ओबामा विरोधी पार्टी के नेताओं का समर्थन चाहते हैं। मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि मेरे रिपब्लिकन साथी मुझसे पूरी तरह से सहमत हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि हम सब राजनीति को अलग रख अमेरिकी लोगों के हित में काम करेंगे। ये प्रस्ताव इतिहास में अमेरिकी कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रस्ताव है। इन 825 अरब डॉलर्स में से 275 अरब डॉलर्स का इस्तेमाल अस्थायी कर कटौती के लिए होगा। साथ ही इस पैसे से व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ओबामा की योजना है स्वास्थ्य, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुधार करने की। इस पैसे का इस्तेमाल ऊर्जा के वैकल्पिक तरीकों को ढूंढने के लिए भी किया जाएगा। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। बराक ओबामा के आर्थिक पैकेज पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.voasamachar.com पर क्लिक कीजिए। लगातार खराब होती अर्थव्यवस्था का असर अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर भी हो रहा है, और इस देश के लाखों लोगों की तरह उनकी उम्मीदें भी ओबामा पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के लाखों लोगों की तरह श्रवण कुमार की नौकरी चली गई है। वो भारत लौटने की योजना बना रहे थे, लेकिन ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अपना इरादा बदल लिया है। लेकिन ओबामा सेलेक्ट हुआ मीन्स थोड़ा होप्स आया कि ओके विद इन 2-3 इयर्स में इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा, सो यहाँ पे रह सकते हैं। जीवान रेड्डी को भी उम्मीद है कि ओबामा बदलाव लाएंगे। अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मैं समझता हूँ बदलाव आएगा। लेकिन श्रीधर अमेरिका छोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि ओबामा अर्थव्यवस्था को सुधार पाएंगे। मैं समझता हूँ कि केवल राष्ट्रपति बदलने से अमेरिका नहीं बदलेगा। ओबामा की सत्ता हस्तांतरण टीम का हिस्सा रह चुकी सोनल शाह को विश्वास है कि बदलाव आएगा। बहुत ही काबिल लोग अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं, जैसे लैरी सॉमर्स, टिम गाइटनर, और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ओबामा से बदलाव की उम्मीद कर रहे लोग जानते हैं कि ओबामा का काम आसान नहीं है। अमेरिका के सर्वोच्च कमांडर माइक मुलेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति सुधारने के लिए क्षेत्रीय ताकतों का सहारा लेना जरूरी है, और इसमें भारत काफी अहम भूमिका निभा सकता है। अफगानिस्तान के मामले में एक क्षेत्रीय नीति की जरूरत है, और इस नीति में सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए, और मैं मानता हूं कि भारत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तालिबान के हटने के बाद भारत की अफगानिस्तान के विकास में काफी सक्रिय भूमिका रही है। करीब 75 करोड़ डॉलर की सहायता हर साल भारत अफगानिस्तान को विकास कार्यों के लिए दे रहा है, लेकिन कुछ जानकारों को मुलेन के इस बयान से लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान की सुरक्षा में भी भारत की सहायता चाहता है। मुझे लगता है वो कहना चाह रहे हैं कि भारत भी अपनी फौजें वहां भेजे, हमें रिप्लेस करना चाहिए नेटो की फौजों को। वहीं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हो गई है। विदेश मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने साफ किया है कि पाकिस्तानी सीमा के अंदर अलकायदा पर चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अफगानिस्तान में सैनिक सहायता देने के लिए राजी होगा। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे 5 करोड़ का घर लॉटरी के जरिए केवल 2500 रुपए में मिल सकता है। लॉटरी का नतीजा निकल चुका है और किस्मत खुली है कोलोराडो राज्य की कैरन मैकेल की। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachar.com पर भी देख सकते हैं। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।